हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए पोंचू। और एक नंबर कान्हा जी के लिए मैं पोंचू बना रही हूँ। इससे भी छोटे अगर आपके कान्हा जी हैं तो आप चार फंदे कम कर लीजिए जो मैं फंदे बनाऊंगी उसमें, ठीक है। और एक एक साइज आपको बड़ा या छोटा बनाना है तो चार चार फंदों का डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊन बता देती हूँ मैं आपको, इस तरह से 3-ply ऊन है। और आप इसको 11 नंबर पे भी बना सकते हैं और 10 नंबर पे, इससे भी इससे ज्यादा मोटी आपको नीडल नहीं लगानी है। या तो 11 नंबर पे बना लीजिए या तो 10 नंबर पे, ठीक है। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप 11 नंबर पे बना लीजिए। तो मैं इसको 11 नंबर पे बनाऊंगी। सबसे पहले तो हम 14 फंदे ले लेते हैं, नॉर्मल ही फंदे लेंगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल फंदे लेते हैं वैसे। ये देखिए हमने फंदे ले लिए हैं 14, और ये जो लंबा धागा है हमारा, ये सिलने के काम आ जाएगा। इसे कट मत कीजिए अगर आपका धागा लंबा रह गया है तो, ठीक है। तो सबसे पहली रो हम उल्टी बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से फर्स्ट रो बना रहे हैं हम। इस तरह से उल्टी उल्टी रो बना लेंगे टोटल ही, पूरी की पूरी इस तरह से। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट रो बना ली हमने यहाँ पे, ये देखिए। सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। अगर आपको दो कलर का बनाना है तो यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। अगर आपको तीन कलर का बनाना है तो भी आपको यहाँ से कलर चेंज कर लेना है। तो इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए। ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, इसको हम दबा लेंगे। इस धागे को बनाते हुए इस तरह से, जिससे ये निकले ना, कभी धोने में धागे निकल जाते हैं, इसलिए इसको इस तरह से दबाते हुए आगे को ले जाएंगे। ठीक है, इतना हम कट कर लेंगे, ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये उल्टी साइड है हमारा, ये सीधी साइड है। अब क्या करेंगे, देखिए फंदे कितने हैं, ठीक बीच के दो फंदे देख लेंगे। 14 फंदे हम हमारे, तो 6 फंदे, 6 इधर 6 इधर, 12 फंदे और दो बीच में, ठीक है, 14 फंदे। तो क्या करना है, 6 फंदे बना लेने हैं शुरू के। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदे बना लिए हमने। धागा पीछे कर लेंगे, धागा आगे ही हमारा, जाली देंगे हम, ठीक है। ये देखिए एक जाली दे दी, एक जाली और दे देंगे, धागा आगे करेंगे। 2 फंदों में हमने जाली दे दी, बाकी हमारे बचे 6। 6 को हम उल्टा कर लेंगे, धागा आगे करेंगे और उल्टा बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब बैक साइड में आ गए हम। हमेशा हमारा बैक साइड में क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से इस कलर से इस कलर को पकड़ लेंगे और ये बना लेंगे, और ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, ये जो जाली वाले फंदे हैं ये भी बना लेने हमको, पूरी की पूरी रो हमारी उल्टी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। फिर वापस हम फ्रंट साइड में आ गए। पहली रो में हमने 6 बना के जाली दिया था, अब हम कितने बना लेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 तो हमने पहले भी बनाए थे, 6 अब भी बना लिए, लेकिन अब ये देखिए जाली वाला जो फंदा है उसको भी हम उल्टा बना लेंगे, 7। इसके बाद धागा हमारा आगे ही है और यहाँ पे एक जाली दे देंगे, ये देखिए एक जाली, धागा आगे करेंगे दूसरी जाली,
ठीक है, दो जाली दे देंगे। अब यहाँ पे भी हमारे सात फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, धागा आगे करेंगे, सातों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, दो तीन चार पाँच छः और ये सात, ठीक है। धागा पीछे कर लेंगे और ये बैक रो आ गई हमारी, हमेशा बैक रो में हमारा क्या होगा, इस तरह से धागा कलर चेंज हो जाएगा, अगर आपको दो कलर का बनाना है तो, ठीक है। अगर आपको एक ही कलर का बनाना है तो आप इसी ऊन से बनाते हुए जाइए। और ये जो जाली वाले फंदे हैं ये भी हमारे उल्टे ही बनेंगे, पूरी रो उल्टी ही आएगी इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। अब हमने कितनी जाली दे दी है, देखिए व्हाइट कलर से हमने जाली दी है एक और दो, फिर व्हाइट कलर में आ गए हम सीधी साइड पे, तीसरी जाली देंगे तो क्या होगा, पहले हमने छह बना के जाली दी थी, फिर उसके बाद सात फंदे बना के जाली दी थी, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आठ फंदे बना करके जाली देंगे, देखिए कितने फंदे हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारी जो जाली है, ये फंदा हम उल्टा बना लेंगे, आठवां ये हो गया। अब ये देखिए ये जाली वाला, जहां पे जाली वाला आ जाएगा वहां पे हमको जाली दे देनी है, दो जालियां देनी है, धागा आगे ये हमारा, और इस तरह से फंदे को सीधे करते हुए जाली दे देनी है, ये देखिए दो जाली दे देनी है, यहां भी हमारे आठ फंदे हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने तीन जालियां दे दी हैं, एक दो तीन, इसी तरह से हम सात जालियां दे देंगे, ठीक है। सात जाली देंगे उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से सात जाली देंगे और हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए आगे को निकल जाएंगे। इसमें हम पांच भी जाली दे सकते हैं, छह भी दे सकते हैं, सात भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम पांच ही दें, छह ही दें, सात ही दें। आपके पास आपके लड्डू गोपाल जी हैं, आप नाप करके देख सकते हैं कितना लंबा उनका पोचू बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छह या सात जालियां देंगे, ठीक है, जहां पे हमारा ये कलर व्हाइट खत्म हो जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन में हम जाली नहीं देंगे, ग्रीन में हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। तो देखते हैं कितनी जाली देंगे, तो मैं अभी बना के आपको दिखाती हूँ हमने कितनी जाली दी, जितने कलर होंगे उतनी जाली होंगी। फर्स्ट कलर में हमने जाली नहीं दिया था, सेकंड कलर से हमने जाली दिया है, एक दो तीन, तीन जालियां हो गई, अभी छह जालियां, अभी तीन जाली और देती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने जाली बना ली है एक दो, हर कलर में एक जाली है, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह और ये व्हाइट में भी जाली बना ली, ठीक है, सात जालियां बन गई हैं, चौदह फंदे हमारे बढ़ चुके हैं, ठीक है, चौदह फंदे पहले थे, चौदह फंदे अब बढ़ चुके हैं, तो हो गए हैं अट्ठाईस फंदे, टोटल अट्ठाईस फंदे हैं। अब ये जाली वाला रो आ रहा है, बैक साइड से हमने ग्रीन लगा के फ्रंट साइड में आ गए हैं, लेकिन अब हम इसमें जाली नहीं देंगे, पूरी रो इस तरह से उल्टी बना लेंगे, ठीक है, पूरी रो उल्टी बना लेते हैं। रो कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये देखिए रो कंप्लीट कर लिए हमने। अब क्या करेंगे, एक बैक रो और एक सीधी रो उल्टी उल्टी बना लेंगे, दो रो और, ठीक है। तो ग्रीन वाला जब हम लगाएंगे, ग्रीन के बाद हम चार रो उल्टी बना लेंगे, दो रो हम बना चुके हैं बैक साइड की और फ्रंट साइड की, ठीक है। यहां से हमने व्हाइट कलर का धागा कट कर लिया है क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, इसको दबा लेंगे ऐसे, क्योंकि ये जो हम बनाते हैं स्वेटर वगैरह ये छोटे छोटे होते हैं, इनमें धागा निकलने का डर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से दबा लेंगे, तो व्हाइट कलर से जाली वाला बनाते हुए, ये व्हाइट कलर से जाली वाला बनाएंगे, बैक साइड से ग्रीन लगा लेंगे, फिर ग्रीन से बैक
बैक साइड का एक रो, फ्रंट साइड का दूसरा रो, बैक साइड का तीसरा रो और फ्रंट साइड का चौथा रो, चार रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रो और इसके बाद फ्रंट साइड की रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं वापस बैक साइड में। तो देखिए अब हमको चार रो बना के पांचवी रो में आ गए हम। पांचवी रो में करना क्या है, फंदे बंद करने। फंदे बंद करेंगे फ्रिल डालते हुए, ठीक है। फ्रिल कैसे डालेंगे, दो का एक कर लिया, अब क्या करेंगे, इसी फंदे को एक बार बना लेंगे, दूसरी बार भी बना लेंगे और तीसरी बार भी इसी फंदे को बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए तीन बार हमने इस तरह से लंबा बना दिया है। अब क्या करेंगे, इस फंदे को इसके साथ जोड़ लेंगे, दो का एक करेंगे, वापस एक बार फिर दो का एक करेंगे, ठीक है। फिर हम इसी फंदे को एक बार, दो बार और ये तीसरी बार, तीन बार हमने बना लिया है। फिर वापस इस फंदे को इस फंदे के साथ जोड़ लेंगे और फिर एक बार दो का एक और कर लेंगे, ठीक है। वापस हम वही पैटर्न बनाएंगे, वही रिपीट करते हुए, एक बार बना लेंगे फिर वापस लेंगे और एक बार फिर बना लेंगे और एक बार फिर, तीन बार हमको अकेला फंदा बना लेना है ऐसे। चौथी बार हमको लेना है इसमें, लेकिन बगल वाले के साथ दो का एक कर लेना है, वापस फिर हमको वही फंदा लेकर के दो का एक कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह की फ्रिल आ जाएगी छोटी सी, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा फ्रिल बना लिया है और छोटा सा झालर बोलेंगे या फ्रिल बोलेंगे, ठीक है, वो बना लेंगे। और यहाँ पे हमने ये देखिए लास्ट बना लिया यहाँ पे, और इसको ले लेंगे दो फंदों का एक और दो फंदों का एक, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम इस धागे को कट कर लेते हैं नोट लगा करके, ये देखिए ये बन चुका है हमारा पोंचू का एक साइड का। तो दूसरी साइड का भी बना लेते हैं इसी तरह के से, सेम तरीके से जो कि मैंने बनाया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये दोनों हमने बना लिए हैं, एक सीधा रखना है और एक उल्टा रखना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से सिल लेना है, इसीलिए मैंने ये धागा छोड़ रखा था इधर। तो चलिए सिल के मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने सिल लिया है, इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर लेंगे, ठीक है। सीधा करके देख लेते हैं, ये देखिए छोटा सा बहुत सुंदर और बहुत आसान तरीके से बनता है, छोटा सा पोचू है, आप इस तरह से पहना सकते हैं कान्हा जी को, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस तरह से एक फ्लावर वाला बटन लगा सकते हैं, फ्लावर बना के लगा सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है, ठीक है। ये देखिए तो कैसा लगा आपको ये कान्हा जी का पोशाक जो पोंचू हमने बनाया है, जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। राधे राधे।